सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे प्यारे कान्हू में। तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए, मैंने अपने गोपाल जी के लिए शॉपिंग की है। होली की शॉपिंग है ये, जैसे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। ये मैंने कहाँ से मंगाया है सारा मैं आपको अभी बताऊँगी इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको कैसी लगी ये शॉपिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी पैकिंग में मुझे ये मिला है। आपको दिख रहा होगा इसमें कांच का सामान लिखा है, तो काफ़ी अच्छी सी ये पैकिंग है। और चलिए खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ओ वाह, बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। और इससे पहले भी मैं इनका सामान मंगवा चुकी हूँ और मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये पैकिंग इन्होंने करके भेजी है, ताकि सामान को कुछ भी दिक्कत ना हो और सामान एकदम अच्छे से मेरे पास आ जाए। तो ये देखिए ये खुल गया और कितने अच्छे से आप देख रहे हो चारों तरफ से इस तरह से ये पैकिंग की गई है। इसमें ये थर्माकोल की पैकिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सच में इन्होंने पैक किया है। तो ओके, अब हम इसको खोल लेंगे। ओ भैया, बहुत अच्छी पैकिंग की है आपने उत्कर्ष भैया। उसके अंदर भी एक बॉक्स है, तो शायद मैंने उल्टा खोला है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ओके, तो ये देखिए अब इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, दीपाली लखनऊ। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या सामान है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गोपाल जी का सामान जब आता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। ओ वाओ, ओहो वाओ, कितना प्यारा सा उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है मुझे। मुझे बहुत प्यारा लगा, सबसे पहले तो मुझे ये गिफ्ट मिल गया, थैंक यू उत्कर्ष। ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है ये। एंड वाओ, तो आप देख रहे होंगे ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, बाद में मैं इसको पूरा खोल के दिखाऊंगी। तो ये कुछ सामान है जो मैंने मंगवाया था, और अब मैं आपको इसको एक एक करके इसका सामान पूरा आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो था गिफ्ट, मैं इसमें करती जाऊंगी सारा सामान। ओके, तो ये देखिए ये है चौकी जो मैंने गोपाल जी के लिए मंगा ली थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। ओ, इसका ये मूर्ति हट गया, कोई बात नहीं, ये तो जुड़ जाएगा। तो ये देखिए ये है एक चौकी, छोटी चौकी है ये, और ये मुझे 20 रुपए की मिली है। मैं यहाँ साइड में रखती जाती हूँ सामान। उसके बाद फिर मैंने एक बड़ी चौकी मंगाई थी, ये देखिए, एंड ये भी बहुत सुंदर लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छी है, वुडन की है। और ये मुझे शायद 30 रुपीज़ की मिली थी, 30 या 35 की थी। प्राइस चेंज आ सकता है, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो प्राइस के लिए आप एक बार उन्हें भी अच्छे से पूछ लीजिएगा। तो ये है एक चौकी, उसके बाद मैंने एक ये मंगाया था और ये मुझे मिला था 120 का, और ये इत्र है, सैंडल है इसका फ्रेग्रेंस। और ये देख लीजिए इसको क्या खोल के दिखाऊँ, तो ये इस तरह से है, ये इत्र है। उसके बाद वाओ, ये मुझे बहुत प्यारे लगे, ये बहुत बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको, ये मसनद हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये मुझे बहुत प्यारे लगे। वाओ, ये देखिए, और इसमें ये इस तरह से ये दिया हुआ है, ये देखिए। और ये कितने प्यारा है इसका ग्रीन कलर है मुझे। अच्छा, ये साइज़ में जब मैंने ऑर्डर किए थे तो मुझे छोटे लग रहे थे, बट ये काफ़ी बड़े हैं, तो गोपाल जी को बड़ा आराम मिलने वाला है इनको साइड साइड में रख के। ये देखिए बहुत प्यारी फिनिशिंग है, बहुत अच्छे से हैं ये। और इसको भी मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। और ओके, ये छोटे हैं, अच्छा तो ये छोटे हैं,
एक्चुअली मैंने वो वाला भी यही साइज एक्सपेक्ट किया था और ये पिंक कलर के हैं और इसमें भी ऐसे है साइड में, बहुत प्यारे हैं ये भी। वाओ ये भी सामान अभी मैं देखती हूँ। मैंने मंगवाई थी थाली जो मुझे बहुत अच्छी थी, क्यूट लग रही है। एक्चुअली इसका बड़ा साइज भी था और ये मुझे 200 में मिली है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये थाली। एक्चुअली इसका बड़ा भी था बट मुझे छोटा चाहिए था क्योंकि गोपाल जी के लिए छोटी थाली बहुत सही रहती है। तो ये देखिए इसका साइज़ देखने के लिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये 7 इंच की है और बहुत प्यारी थाली है। वाओ मुझे बहुत क्यूट लगी एंड ग्लास तो बहुत ही क्यूट है। और एक्चुअली स्टील की थाली में इसलिए आराम रहता है क्योंकि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है और सही भी रहती है, वो पूरा लगाने के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। और कटोरी का साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा है, ये देखिए इतनी छोटी कटोरी है, ये दोनों का साइज़ ऐसे ही है। और ये है एक चम्मच और ये है ग्लास। तो ये है पूरा सेट थाली का। बहुत क्यूट हैं ये थालियाँ भी। ओके वाओ। और फिर मैंने मंगाई थी ये एक खाट और बहुत प्यारी खाट है और ये खाट मुझे और जगह से काफ़ी कम प्राइस में मिली, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वाओ और साइज़ में अच्छा मुझे लग रहा था छोटी तो नहीं होगी बट ये एकदम परफेक्ट साइज़ है, ये देखिए। एंड बहुत प्यारा कलर भी है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है, ये देखिए। तो ये खाट है और बहुत अच्छी सी खाट है ये लिए मैंने। उसके बाद मैंने ये लिए हैं टॉयज़ लिए थे, दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे से पैक करके दिया है। तो ये देखिए एक ये हाथी है इसमें और ये देखिए, तो ये है हाथी और ये 55 रुपीज़ का एक सिंगल पीस है। अगर आप पेयर लेते हो तो 110 का आपको मिलता है। तो ये है और किसी तरीके से इसमें और भी टॉयज हैं सब। ओ वाओ। तो ये है पिकफॉक, ये देखिए इसका भी मुझे पेयर चाहिए था बट था नहीं तो मैं नहीं ले पाई, ये देखिए, ये देखिए। तो ये है पिकॉक। तो वीडियो को मैं सेकेंड पार्ट में आपको दिखाऊंगी आगे मैंने क्या और शॉपिंग की है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये शॉपिंग मैंने की थी गोपाल किंगडम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं वहाँ से जा कर के। और बाकी की शॉपिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब सेकेंड पार्ट अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से वीडियो देख लें। तो ये मेरी शॉपिंग आपको उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये गोपाल जी की प्यारी प्यारी होली की शॉपिंग। तो बाय बाय, राधे राधे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।